हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वो हुआ अपना विकास गुप्ता जी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज को लेके बातें कर रहे थे। दोनों को इकट्ठा बैठाया हुआ था, भाई तुम्हें लोग घर से बाहर बहुत लाइक कर रहे हैं, तुम्हारा #SidShehnaz बना रखा है एक, तो तुम्हें जो घर के बाहर तुम्हारी जो केमिस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और दूसरी साइड भाऊ और रश्मि बैठे हुए हैं, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बातें कर रहे हैं। भाऊ बोल रहा है, यार ये कैसी बातें करता है, कैसा क्या करता है, कितना कुछ बोल देता है, कितना वो हो जाता है, सलमान भाई ने कितना इसको डांटा है, ये है वो है। और फिर दिखाया कि रश्मि और अरहान वो अपने रिलेशन को लेके बातें कर रहे हैं। रश्मि कह रहे हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा भी वो है कि शॉकिंग है जो तुमने पता लगा मेरे को, ये वो मुझे थोड़ा टाइम दो, वहाँ पे अरहान लगा हुआ था। तो ये भी अपने रिश्ते को लेके कुछ बातें करते डिस्कस करते मिले। इतने में बिग बॉस कहते हैं, बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में एकत्रित कर लिया और यहाँ बताया भी जो सिद्धार्थ शुक्ला को जो मेन घर के से लेके जाया जा रहा है कुछ देर के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत ठीक नहीं है। जो उसके टेस्ट वेस्ट कराए गए हैं तो डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट की सलाह दी है और आराम करने की सलाह दी है, इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला को आज घर से वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इतने में बस आपको पता ही है शहनाज और जो महिरा है वो अकेली पड़ गई, वो बहुत ज़रा सैड फील कर रही थी, सिद्धार्थ शुक्ला से बहुत गले मिली थी। यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला भी सब घर वालों से अच्छी तरह प्यार से मिल के गया, ओके गाइस सब टेक केयर कर रहे थे। रश्मि ने यहाँ पे कमेंट जरूर मार दिया कि अब भाई अपना शहनाज और बाहर का क्या होगा। और जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाया वहाँ से निकल के गया, सिद्धार्थ शुक्ला सीधा सीक्रेट रूम में पहुँच गया। बिग बॉस ने कहा भी सिद्धार्थ शुक्ला आपका सीक्रेट रूम में स्वागत है, और कुछ ही देर बाद वहाँ पे पारस भी आ गया। अब सिद्धार्थ शुक्ला पारस दोनों सीक्रेट रूम के अंदर, दोनों बहुत खुश कि भैया आप यहाँ से गेम को देखेंगे। वहाँ पे बिग बॉस ने बोला भाई तुम अब आराम करो थोड़ी देर यहाँ पे, और तुम यहाँ से घर वालों को देख सकते हो, और जब घर वालों के अंदर जाओगे तो इस चीज़ का तुम वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे अरहान, दोस्तों कहते हैं ना अरहान जो झूठ बोलने की एक पोतली बना चुकी है, पोटली है उसके पास, वो ख़त्म नहीं हो सकती है। वो शिवाली बगैर बैठे बातें कर रहा था कि भाई ऐसा है कि जो अपना रश्मि थी इसका बैंक का बैलेंस जीरो था जब ये मेरे से मिली थी, ये सड़क पर आ चुकी थी, मैंने इसको वहाँ से उठाया, मैंने इसे स्टैंड करा, मैंने इसे बुलाया। तो यही सब चीज़ें वहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला और पारस सुन रहे थे। पारस कह रहे भाई बाय गॉड ये बंदा तो ग्रेट है, अब अंदर जाऊँगा मैं बताऊँगा रश्मि तेरा बैलेंस जीरो था, तुझे रोड से उठा के लाया ये बंदा। तो यहाँ पे अरहान फिर देखा गया कि भाई उसकी रश्मि की बातें करते हुए। बिग बॉस फिर कहते हैं आपको, आपको मैंने कल बताया था कि आज नॉमिनेशन टास्क कराया जाएगा, तो बिग बॉस ने कहा भी सबके प्लेयरों के भी एक एक करके कन्वेंशन रूम में आएंगे और यहाँ पे नॉमिनेशन टास्क की प्रक्रिया शुरू करी। इसमें क्या था, बिग बॉस ने कन्वेंशन रूम में सबको बुलाया, एक एक करके सब घर में जा रहे थे और सबको किसी दो प्लेयर का नाम लेना था जो कि घर में लायक रहने लायक नहीं थे। तो वो इस तरह नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल स्टार्ट हुई। सबसे पहले इसको जो बुलाया गया वो बुलाया विकास गुप्ता को। इस नॉमिनेशन प्रक्रिया के अंदर जितने भी वोट्स वगैरह जो सबको मिले उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वोट मिले कि जो भी घर में लाल लाइन नहीं है वो मिले महिरा को 8 मिले। उसके बाद नंबर सेकंड में मिले शहनाज को 7 मिले, फिर भाऊ को 4 और मधुरिमा को 2 मिले। तो यहाँ पे जो नॉमिनेशन के अंदर वो आ गए वो चारों नॉमिनेशन में आ गए, प्लस सिद्धार्थ शुक्ला पहले से ही 2 वीक के लिए नॉमिनेशन के अंदर है, तो ये 5 प्लेयर टोटल नॉमिनेशन के अंदर इस वीक के लिए आ गए। एक आपको चीज़ पता ही है, आरती को चुलमची होती है कि हर एक के अंदर घुसने की, कल वो घुस गई अपना विशाल और मधुरिमा के बीच में, भाई तुम्हारा आपस में क्या था, तुम बैठ के पैचअप कर लो, बात कर लो, और बीच में से जा भी नहीं रही है, उन दोनों को बात भी करने का मजबूर कर रही है कि तुम बातें करो आपस में ये करो, और खुद बीच में तो हिल भी नहीं रही है। यही चीज़ सिद्धार्थ शुक्ला और पारस जो रूम में देख रहे थे सीक्रेट रूम में, पारस बोल रहे अरे तू उठ तो जाए यहाँ से, तो उठेगी तभी तो बातें करेंगे वो। और यहाँ पे विशाल फिर जिसे कहते हैं कि एक ना अग्रेसिव हो गए करे हुए, वहाँ से मतलब झगड़ता हुआ वहाँ से भागा, गुस्से से वहाँ से चले गया उस जगह से। और दूसरी साइड शहनाज जो सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला को जल्दी भेज दो, मेरी कौन बातें कौन सुनेगा, मैं उसी से बातें करती थी, अब मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा। तो शहनाज यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत मिस कर रही थी, और दूसरी तरफ मायरा भी सिद्धार्थ शुक्ला और अपना पारस को मिस कर रही थी, क्योंकि ये दोनों अकेले पड़ गए घर के अंदर। बिग बॉस ने फिर सबको बोला भाई ऐसा है कि जो इस बार नॉमिनेशन के अंदर 4 प्लेयर आए हैं, मैं उनको एक मौका देता हूँ कि अपने आप को नॉमिनेशन से हटाने के लिए। अब बिग बॉस ने एक टास्क दे दिया भाई, जो 4 प्लेयर है सिद्धार्थ शुक्ला को छोड़ के भाई वो नॉमिनेशन के अंदर है वो 1 घंटा लाइव रहेंगे। ये वो तो बिग बॉस ने सिर्फ बोल दिया 1 घंटा लाइव रहेंगे, भाई वो अपने को पूरा करेंगे कि कौन बंदा सबसे ज़्यादा फुटेज ले रहा है, जो तुम हमेशा बोलते रहते हो फुटेज, तो सबको यह फुटेज किसको मिलती है, और ये पब्लिक लाइव देख रही है, फिर पब्लिक डिसाइड करेगी तुम 4 में से किसको सेव करना है। और दूसरी साइड बिग बॉस ने
पारस और सिद्धार्थ शुक्ला का बोल दिया, भाई जो पब्लिक है जो लाइव देख रही है वो तुम दोनों ही हो, तुम दोनों डिसाइड करोगे इन चारों का परफॉर्मेंस देख के कि भाई कौन सा बंदा नॉमिनेशन में सेव किया जाता है। तो यहाँ पर सारे अपने निभाने शुरू हो गई। अब सबने पहले से प्लानिंग कर ली कि भी मध्यरमा को सेव करेंगे घर वालों ने अंदर। अब वो शहनाज की कोई बात नहीं सुन रहा, भाऊ तो कोई कोशिश कर ही नहीं रहा था, और अपना शहनाज की भी कोई बात नहीं सुन रहा था, और मायरा की कोई बात नहीं सुन रहा था। मायरा बेचारी कोशिश कर रही थी बार बार हर एक के बजाय बात करने की, सर उसे इग्नोर कर रहे थे, कोई बात उसे कर नहीं रहा था। वो बेचारी बार बार कैमरे के सामने आती थी, देखो बिग बॉस मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो भी मैं कैसे कन्विंस करूँगी, ये है वो है। यहाँ शहनाज की भी बात नहीं सुन रहा था, शहनाज तो अपना लगी हुई थी, बिग बॉस मैं सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत मिस कर रही हूँ, ये है वो है। पर यहाँ पर देखा गया जो विशाल था, विशाल और मधुरिमा की जो यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग कह लो कुछ भी कह लो, वहाँ पे बातचीत शुरू करी इन्होंने कि भाई इसमें काफ़ी फाइट था इनकी, करते करते ये जो एक्टिंग करते वो रियल में फाइट आने लग गई। तूने ये किया, तूने वो किया, तू बदतमीज़ है, तू पहले मुझे थप्पड़ मार चुका है, विशाल ने बोला। तो काफ़ी लड़ाई भड़ गई, और इसके बाद जब बजर बजा फिर ये लड़ाई ख़त्म हुई। फिर यहाँ पर फैसला अब सिद्धार्थ शुक्ला और पारसू करना था, तो इन दोनों ने आपसी सहमति से करना था। तो इन्होंने बिग बॉस को रीज़न यही दिया कि बिग बॉस मायरा को लोग भाई उसको कोई से बात नहीं करते, इग्नोर करते, पर तब भी वो कोशिश कर रही थी, और जो अपना विशाल और मधुरिमा कर रहे थे ये पूरा प्लान था। तो हमें हमारे हिसाब से इस टास्क के अंदर आप मायरा को सेव कर सकते हैं। तो बिग बॉस ने अंदर गए, वही बिग बॉस ने एकत्रित किया, बिग बॉस कहते हैं, बिग बॉस ने बोला भाई जो पब्लिक देख रही है उसको फुटेज जो अच्छी लगी वो मायरा की लगी, तो मायरा को नॉमिनेशन से सेव किया जाता है। अब नॉमिनेशन से चार हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, मधुरिमा और भाऊ। तो दोस्तों एंड में क्या हुआ, विकास गुप्ता जी उनको भी चुल उठी कि मधुरिमा और विशाल के बीच में पैचअप कराने की। उन्होंने कहा भाई तुम पहले वो मधुरिमा के पास गया, अभी तुम जाके आराम से बात कर, तुम बहुत अग्रेसिव हो गए थे, प्यार से बैठ गए, जो भी तुम्हारा है मुझे लगा तुम्हें अभी भी प्यार बहुत ज़्यादा है। फिर उसने विशाल से ही बात करी, फिर करते करते एंड में दोनों को उठाया गया, दोनों इकट्ठी बातें बैठे कर रहे, बातें कर रहे थे, बड़े प्यार से लगे हुए थे, ये है वो है। फिर उसके बाद एंड में इस चीज़ को मायरा ने भी कहा, अभी दोनों बैठे गए थे, फिर उनके सामने मायरा के सामने आई लव यू टू, बस वही लाई कर लेते हैं, फिर आई लव यू टू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी कल देखने को एंड में मिला। तो दोस्तों ये तो थी कल के एपिसोड के बारे में, अब आने वाले एपिसोड जो आज आएगा दोस्तों, आज सबसे पहले बिग बॉस इकट्ठी करके एक टास्क करवाएंगे। टास्क के अंदर क्या है, गार्डन एरिया के सारे लेटर बॉक्स पड़े होंगे, सबके घर वालों के लेटर्स होंगे उसके अंदर, और उसमें ये जो टास्क है वो कैप्टेंसी टास्क है, जो अगले कैप्टन के लिए बनेगा उसके लिए टास्क कराया जाएगा। फिर जिसको लेटर्स उठाएंगे इकट्ठे करेंगे, लेटर उठाएंगे वहाँ से, लेटर को अगर नहीं चाहिए होगा तो वो डिस्ट्रॉय करके अपनी कैप्टनी टास्क में अपनी दावेदारी मजबूत करेगा। तो ये टास्क बहुत अच्छी तरह खेला जाएगा, लड़ाई झगड़ा इसमें कम होगा। बट यहाँ पर विकास गुप्ता एक बहुत, जिसे कहते ना पहले गेम प्लानर था जब वो बिग बॉस 11 में था, यहाँ भी वो गेम प्लानर करके उभर के बाहर आएगा। और इस टास्क के अंदर जो दो अच्छे थे आपस में, उनकी बॉन्डिंग अच्छी चल रही थी अभी थोड़े कुछ दिनों से पहले आसिम और रश्मि के बीच में, आसिम और रश्मि के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई हो जाएगी। और दूसरी साइड जो अपने नए, वो कहते हैं ना लव बर्ड इकट्ठे हुए हैं, विशाल और अपना मधुरिमा, इन दोनों में भी प्यार वो चुम्मा, एक पप्पी पप्पी देखते देखो मिलेगी, दोनों बड़े प्यार से बातें कर रहे होंगे। तो अब हिमांशी और जो आसिम का एक लव ट्रैक था जो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद एक नया लव ट्रैक जो स्टार्ट हो रहा है वो विशाल और मधुरिमा का देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायावरी कट। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।